आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको MHRB आसाम FSO रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। वैकेंसीज के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या वैकेंसी पोस्ट होंगी इसमें, लास्ट डेट्स क्या होंगे अप्लाई करने की, तो जानने के लिए पूरी जानकारी को वीडियो के माध्यम से आप सब एंड तक बने रहें। आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पे gayatrijobs.com पे। मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड आसाम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे MHRB आसाम FSO की जो रिक्रूटमेंट की 2019 की नोटिफिकेशंस है, उन सभी 4 पोस्टेज जो इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स अंडर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप सब रजिस्टर कर सकते हैं वैकेंसी पोस्ट के लिए। तो आप सब इसकी जानकारी के लिए वेबसाइट के साथ लगातार टच में बने रहें। पोस्ट का नाम इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर है। नंबर ऑफ जॉब्स जो होंगी वो 50 पोस्ट की होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू पे होगा। लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप सब अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्केल प्रोवाइड करा है 22,000 से 87,000 विथ PM विथ ग्रेड पे 11,500 प्लस अदर जो भी एप्लीकेबल टाइम टू टाइम पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड्स होंगी। एंड एप्लीकेशन फिर कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप अमाउंट्स जो होंगे वो प्रोवाइड कराए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होंगे अप्लाई करने के लिए वैकेंसीज में, उसके लिए हमने आपको अप्लाई ऑनलाइन हेयर का लिंक दिया है। इस लिंक को ओपन करके आप वैकेंसीज के लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।